हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, फटाफट से जो है उत्तराखंड जो पुलिस का पेपर हुआ था आज 18 दिसंबर 2022 को, तो जल्दी से जो है इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कैसा गया दोस्तों आपका पेपर जो है? मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर जो है अच्छा ही गया होगा। तो काफ़ी अच्छे से प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न था, आकाश के तारे तोड़ लाना, ये सी है दोस्तों हमारा जो है पैटर्न सी है। कौन सा है तो पुस्तिका संख्या क्या है आपका? सी है। किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, तो आप देख लेना, मैनेज कर लेना ऊपर नीचे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आया था मेरी पुस्तिका में, आकाश के तारे तोड़ लाने के मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत बड़े या असंभव कार्य करना। तो अगला प्रश्न था, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए दोस्तों? वस्तु प्रदान होनी चाहिए। यह जो है दोस्तों, जो मैंने एक वीडियो भेजी थी 20 मिनट के आसपास, उसमें सभी जितने पत्र थे उसमें टिप्पण भी शामिल था। तो आपने देखी नहीं होगी, नोट्स थे, हैंडराइटिंग नोट्स, वहीं से जो है यह प्रश्न आ रखा है। तो अगला आता है, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? शब्दावली कहते हैं। तो अगला आता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य है। तो चाणक्य क्या है दोस्तों? चाणक्य जो है एक प्रकार का फॉन्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला आता है, कबीर निम्नलिखित में शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो कबीर क्या है दोस्तों? ना तो ये रामाश्री, ये जो दोस्तों निर्गुणवासी, निर्गुणवाद, यानी कि यह जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। तो इसका इन तीनों में प्रेम भी था, रामाश्री भी था, कृष्णा भी था, यानी कि ये तीनों जो इन तीनों का जो नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी क्या था? ये ज्ञानाश्री कवि थे। तो अगला आता है कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है। तो कौन थे दोस्तों श्री कृष्ण गीतावली? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी जो इसके रचयिता थे। तो अगला है, कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि किसकी है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद आता है, हिमकिरीटिना के रचयिता कौन है? तो किसकी पुस्तक है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हिमकिरीटिनी। यह जो है किसकी पुस्तक है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो अगला प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी या लक्ष्मीन, लक्ष्मीन जो है जिसे जाना जाता था। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आया था आपका, अगला प्रश्न था दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृतिक के उपरांत कौन सी तीसरी भाषा है? तो कौन सी दोस्तों? आपकी अपभ्रंश होगी, पाली प्राकृतिक, अपभ्रंश अवट, उसके बाद जो है हिंदी का विकास होता है। इसके बाद आता है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों गढ़वाली बोली जाती है, नेपाल तथा काठमांडू में नहीं है, मसूरी और शिमला में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि नैनीताल और अल्मोड़ा में ही इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था, किससे हुआ दोस्तों? ब्राह्मी से, और रोमन से, रोमन लिपि से किसका हुआ दोस्तों? अंग्रेजी। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 13, कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जो क्या कहते हैं? हंसपद। इसे जो दोस्तों हंसपद कहते हैं, यानी कि जब आप किसी लिख रहे हो आपके पास 20 से छूट जाता है तो इस प्रकार से एक चिन्ह रहता है जिसे क्या कहते हैं? हंसपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके क्या कहलाती है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई क्या कहती है? यानी कि वर्ण, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि की, इसे वर्ण कहते हैं। तो अगला, प्रत्यय और उपसर्ग से आता है दोस्तों, 10 बार मैंने आपको बता रखा है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द से पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय क्या है दोस्तों? इसमें अंतिम, अंतिम में क्या है? इम है, यानी कि अदन, अंतिम में क्या है दोस्तों? इम प्रत्यय, यानी कि लास्ट में इम, अंतिम इम, इम आपको यहाँ पर देख रहा है दोस्तों। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी, जो किस प्रकार का शब्द है दोस्तों आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन दोस्तों गूगल में आप देखोगे तो चंबल नदी पुलिंग में भी आ रहा है, अरावली नदी दोस्तों आपका पुलिंग में आ रहा है। तो इन दोनों में से दोस्तों आपको जो है अच्छे से देख लेना है। तो अगला आता है कि रेलगाड़ी निम्न में से किन भाषाओं को जोड़ती है? तो कौन सी दोस्तों? रेल जो गाड़ी है, रेल जो कैसा शब्द है आपका? हिंदी। रेल जो आपका अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी कैसा है? हिंदी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है कि निम्न में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का क्या है दोस्तों? अग्नि, आग, पावक, अनिल, ये सभी अग्नि के वैश्य वानर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, और अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर आता है दोस्तों, सदानंद में कौन सी संधि है? तो सदा, सत्य, धन, आनंद, इससे मिलकर बना है दोस्तों क्या? सदानंद। तो इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए कैसे बना है दोस्तों? सत्य, धन, आनंद मिलकर क्या बनता है? सदानंद बनता है। तो तौक किस में आता है दोस्तों? तौक नीचे हलंत, यह आपका व्यंजन संधि में आता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य हो? तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? यह जो आपका इच्छावाचक वाक्य है। तो बढ़ते हैं फटाफट से, अगला जो प्रश्न आता है आपका, अब आता है आपका, अब है दोस्तों यहाँ से जो आपकी रीजनिंग शुरू होती है। तो पहला है, एक किसका है? जो 1 कार 90 60, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सबसे लंबा है? तो कौन सबसे लंबा है दोस्तों? ई जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तब आता है दोस्तों, जब समतल दर्पण में देखा जाए तो घड़ी
का समय दिखाई देता है। तो कब ये दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट में मीन करवा रखा था, जो प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट हुआ था रीजनिंग का टेस्ट सीरीज़ में, यही प्रश्न दोस्तों मैंने घड़ी से दिया है। साढ़े कौन सा, साढ़े तीन, मैंने साढ़े तीन का करवाया था दोस्तों। साढ़े तीन का उल्टा क्या होता है, साढ़े आठ। और साढ़े चार का क्या होता है दोस्तों, साढ़े सात। और साढ़े पाँच का क्या होता है, साढ़े छः। और फिर साढ़े नौ का क्या होता है दोस्तों, साढ़े नौ का आपका 2:30। और साढ़े दस का क्या होता है दोस्तों, आपका डेढ़। और साढ़े ग्यारह का 12:30। इसी प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया था, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा तरल पिज्जा दूध के संबंध में सर्वोत्तम दर्शाता है। तो दोस्तों जो तरल है, तरल जो शब्द है, इसी के अंदर दूध कैसा होता है दोस्तों, आपका दूध जो है तरल होता है। तो ये तरल शब्द है दोस्तों, इसी के अंदर आपका दूध आता है। और जो पिज्जा है दोस्तों वो तरल नहीं होता, तो पिज्जा कहाँ आएगा आपका, अलग से आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर, या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, गाय और मुर्गियों के समूह में तो कितनी है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर है 7। तो अगला आता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या तो कितनी है दोस्तों, इसमें जो है टोटल 32 त्रिभुज थे। तो अगला आता है, एक व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण की ओर है, वामावर्त, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि यह जो दोस्तों टेस्ट सीरीज हमारी देख रहे होंगे उसमें आपको सब मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो किस वस्तु पर बनाते दोस्तों, यानी कि दृष्टिपटल पर बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि अनुक्रम, तो इसमें क्या था दोस्तों, इसमें ज़्यादा नहीं था, यहाँ से 1, 3 फिर 5 फिर 7 जा रहा था, 7 के बाद आपको 9 करना था, नीचे भी इसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 8 × 16 डबल में जा रहा दोस्तों, आपको 16 × 32 करना था, नीचे डबल हो रहा था, और नीचे क्या हो रहा था दोस्तों, ऊपर से आपको +2 ऐड करना था, और नीचे आपको सिर्फ 2 की गुणा करनी थी बस। तो क्या है, सरल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो अगला आता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग हो, तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, यानी कि 77 जो इसका राइट आंसर है। यह भी जो है इस प्रकार के प्रश्न भी जो दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज़ में देखने को जरूर मिलेंगे, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ कराई थी। तो अगला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, इसमें क्या था, इसमें आपको क्या करना था, 5 × 10 और 4 × 3 = 12, तो 10 और 12 कितना होता दोस्तों, 22 होता है। इसी प्रकार से 5 × 5 = 25 और 8 × 3 = 24, तो कितना होता है, 24 और 25 कितना होता है, 49। इसी प्रकार से 7 × 28 और 9 × 5 = 45, तो 9 × 5 = 45 और 7 × 28 कितना होता दोस्तों, यानी कि 45 और 28, तो 8 × 5 = 13, तो 73 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न था, अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, गेहूं के दाने होते हैं, तो सभी दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो गेहूं के दाने बीज तो नहीं होते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल। इसी प्रकार से दोस्तों जो पीसीएस है इसी प्रकार से आपको प्रश्न देता है, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, जिसने पढ़ा भी नहीं होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो अगला आता है कि जब जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किससे दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जस्टिस प्रदीप ए कुमार महती जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है कि किस शहर ने निम्न में से प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इससे सम्मानित किया गया था। तो अगला आता है कि किस शहर ने, तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों आपका कौन सा आता है कि किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की, तो किसने की दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात द्वारा की गई। तो अगला प्रश्न था दोस्तों कि निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पीवी संधू ने। तो अगला है कि निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन, तो ऑपरेशन गंगा दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि निम्न में से विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है दोस्तों, मैक ये भी दोस्तों है, लिनक्स भी है, विंडोज भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि 1 TB में शामिल है तो कितने होते दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यानी कि 1 TB 1024 GB, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि ईमेल के व्यापक में भेजे जाने वाले जो भेजे जाते हैं दोस्तों, जो दुनिया भर के जो मैसेज भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पैम कहते हैं। तो अगला आता है कि भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2000 में जो है अस्तित्व में आया। अगला आता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में जो है आपको महावीर का जन्म देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाई दरवाजा। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। तो अगला आता है कि भारतीय उपग्रह कला सेट V2 के प्रेक्षण की तिथि कब है, तो कब है दोस्तों, 24 जनवरी 2019 इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पाद किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसका उत्पाद किया गया। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है,
तो अगला आता है दोस्तों भारत वन रिपोर्ट है 2021 की, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर था, और 40 ईयर जो क्वेश्चन आता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो अगला आता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों में स्थित हो, किन नदियों में दोस्तों आपको कावेरी नदी में देखने को मिलेगा, कावेरी नदी कहाँ पर, कर्नाटक में दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, तो कौन था दोस्तों, जीवी मावलकर इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, तो अगला आता है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव जो इसके बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत क्या है दोस्तों, यानी कि अभी तक कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर आता है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, तो कौन सा दोस्तों 2021-22 में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगला आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो कौन सा है, भूमि की चकबंदी, बाकी ये तीनों शामिल है। तो अगला आता है कि किन दो बैंकों का हाल ही में किसका किया गया दोस्तों, ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का जो दोस्तों किस में किया गया, पंजाब नेशनल बैंक में। फिर आता है अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो कौन सी है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न जो है संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो अगला आता है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेपाल 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। तो अगला आता है कि बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका क्रांति। तो अगला आता है पुशमैन का क्षेत्र है, तो कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आता है कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो उत्तराखंड है दोस्तों, आप देख लीजिए कितने प्रश्न आपको देखने को मिले, 61 से लेकर 100 तक 40 नंबर का दोस्तों आपका उत्तराखंड था। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न था कि डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, तो किससे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकार से संबंधित था। तो फिर इसके बाद है दोस्तों 1857 के विद्रोह के प्रोफेसर के दौरान समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो कौन थे दोस्तों 1856 से जो है आप 1884 तक किसका कार्यकाल देखते हैं, हेनरी रैमजे का। तो अगला आता है कि मथुरा प्रसाद नैथानी कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाले भ्रांत मंडल की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, कहां पर की, लखनऊ में की। अगला आता है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बुद्धि बल्लभ पंत। फिर आता है कौन कुर्माचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो कौन है दोस्तों कुर्माचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बद्रीदत्त पांडे को। फिर आता है दोस्तों गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्न में से कौन नहीं था, तो कौन नहीं था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है दोस्तों गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है, तो गंगा के कौन से मिलते दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। फिर आता है कि श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे दोस्तों, अलकनंदा की नदी के आपको किनारे देखने को मिलेगा। फिर आता है बागेश्वर, तो बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के संगम पर आपको दिखाई देगा। फिर आता है गढ़वाल की दिवगत विभूतियाँ किसके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भक्त दर्शन की आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ पर, दुगड्डा में। तो अगला आता है कि गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा है, गुजरू। फिर बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अगला जो आता है, अगला है आपका कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेदशाला स्थापित की गई, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल में जो दोस्तों ये स्थापित की जा रही है। तो अगला है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, तो किसे किया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार को। फिर आता है दोस्तों भारत के प्रथम रक्षा सेवक जनरल बिपिन रावत कहाँ से संबंधित है दोस्तों, इनका पौड़ी गढ़वाल से। फिर आता है कि लोक संगीत में अपना योगदान के लिए 9 अप्रैल 2022 संगीत नाटक अकेदमी किसे दिया गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह नेगी को। फिर आता है कि भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बड़े राज्यों के क्रम में 7वें स्थान पर है। तब आता है आईटी पार्क कहां पर है देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको जो है आईटी पार्क आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। फिर आता है हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है उधम सिंह नगर में। फिर आता है दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से निम्न में से लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम लिंगानुपात किससे देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरिद्वार। फिर आता है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय स्थित है, फिर इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर
कौन सा है? उरेडा, देहरादून में जो है इसकी स्थापना। अगला आता है कि 1920 में किस क्षेत्र के उत्तराखंड के घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र का आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है कि निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों उत्तराखंड के गांधी नाम से? यानी कि इंद्रमणि बडोनी को। फिर आता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल चमोली आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में हुआ, तो कौन सा राज्य दोस्तों? 27वां राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तीन राज्य दोस्तों हमने आपको परसों दिए थे 2000 टेस्ट सीरीज में दोस्तों, ये सभी प्रश्न थे। तो इन्हें दोस्तों आपको जो है आपका पेपर जो है अच्छे से गया होगा, काफ़ी उम्मीद है दोस्तों। इतना सरल पेपर था तो जिसने उत्तराखंड अच्छे से कवर किया होगा उसका तो दोस्तों जो है, जिसने परीक्षा वाणी भी अच्छे से पढ़ी होगी तो वहीं से दोस्तों आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा पेपर बना था दोस्तों UKPSC का। आप पैटर्न देख चुके होंगे, आप पहले से ही डरे हुए थे, तो इतना हार्ड इसका पेपर नहीं रहता लेकिन थोड़ा लॉजिकल रहता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी का अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।